हाल ही में कितने यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो दोस्तों, आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई के करंट अफेयर के हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंटेंसेस लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। हमारे करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, पुस्तक ऑपरेशन खुकरी अफ्रीका में भारतीय सेना की बहादुरी के मिशन की कही कहानी बताती है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी। यह पुस्तक हवलदार कृष्ण कुमार को समर्पित है, जो भारत के एकमात्र वीर योद्धा थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत की शुरुआत करने जा रहा है? तो इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। निपुण की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिक्स। तीसरा प्रश्न है, एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता के अनुसार रैमसवेयर हमले ने 2 जुलाई 2021 को कम से कम कितनी अमेरिकी कंपनियों के नेटवर्क को प्रभावित किया है? तो इसका उत्तर है 200। चौथा प्रश्न है, एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 2 जुलाई 2021 को एमएसएमई के लिए संशोधित दिशा निर्देशों की घोषणा की है, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के तहत कौन कौन से व्यापार शामिल हैं? तो इसका उत्तर है खुदरा और थोक। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे 3 जुलाई 2021 को टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो इसका उत्तर है मरियप्पन थंगावेलु। छठा प्रश्न है, किस भारतीय पहलवान पर 3 जुलाई 2021 को डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो इसका उत्तर है सुमित मलिक। सातवां प्रश्न है, 26/11 के शहीद तुकाराम उम्बले के नाम पर नई जंपिंग स्पाइडर प्रजाति का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका उत्तर है ICS तुकारामी। आठवां प्रश्न है, मुंबई के पत्रकार धवल कुलकर्णी की किताब नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे का प्रकाशन किस पब्लिशर द्वारा 2022 में किया जाएगा? तो इसका उत्तर है पैन मैकमिलन इंडिया। तो दोस्तों, हमारा जो पिछले कल का अभ्यास प्रश्न था वो था कि हाल ही में कितने यूरोपीय देशों ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी दी है। इसका आंसर था 8। और ये जो 8 देश है वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, आइसलैंड, ग्रीस, स्पेन, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.गुरु पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।